हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जो कि है गौशाला। एज आपको पता ही होगा, ये मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे वहाँ पे गौशाला में जाके पंचगव्य जो बोलते हैं हम, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, काउ डंग, काउ यूरिन, इन सब के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि गौशाला में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर वो लोग ने परमिशन दी है तो मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसा होता है, किस तरीके से दूध निकाला जाता है, और फिर वहाँ पे जो काउडंक है उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं, और पंचगव्य घृत जो रहता है वो हम कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और मैंने ये भी सुना है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जो रोड की गायें होती है उनको भी शेल्टर दिया जाता है और उनका पोषण वहाँ पे किया जाता है, और उनका जो काउ डंक है, काउ यूरिन है, उसको जमा करके उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि लास्ट टाइम कहा था कि हम गौशाला जा रहे हैं, एक्चुअली गौशाला नहीं है, नेत्रवन करके एक प्लेस है जो पूरे एक गांव में सिचुएटेड है। ये जो गाय रहती है इनका कंजर्वेशन जो करते हैं वो पूरा यहाँ पे करते हैं, और ये एक तरीके का टेक्निकल बातें जो भी रहती है गाय के रिलेटेड वो बताते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क जैसा भी खुला है ताकि आपकी स्टडी भी हो जाए और साथ साथ आपका नॉलेज में भी थोड़ा सा गेन हो जाए, है ना। यहाँ पे जो इनका इम्प्रूवमेंट है मैं आपको मेन सर से मिलवाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गौशाला है, तो इसमें जो मेन सर है, विजय, डॉक्टर विजय घुगे सर, उनसे अभी हमारा एक सेशन रहेगा जिसमें हम आपको यहाँ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे मैं दे सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा कम ही रहेगा, जितना भी मैं सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा ही कम रहेगा, इसलिए हम डिटेल में जानने के लिए विजय घुगे सर के पास चलते हैं, ठीक है। हाँ सर, बोलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय घुगे, निसर्ग विज्ञान मंडल नागपुर में कार्यरत संस्था है। उस संस्था के अंतर्गत नेत्रवन प्रकल्प यहाँ बूटी बूरी उमरेड रोड पे दवा खापरी पे चलता है। यहाँ पे बेसिकली नेत्रवन का मतलब है कि निसर्ग शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, यो कृषि वानिकी साहसात्मक क्रिया के लिए लोकसभाग। इस लोकसभाग से हम लोग यहाँ पे जैविक खेती, गौशाला, पर्यावरण शिक्षण, जल संधारण, जंगल व्यवस्थापन, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और उसी में यहाँ देसी गाय जो है, देसी गाय का संगोपन करके हम लोग किस तरह से गाय को मध्यवर्ती रख के जैविक खेती कर सकते हैं, जो निरामय आरोग्य के लिए हमें ज़रूरी है, वो हमें हमारे इतिहास में, हमारे संस्कृति में गाय का जो मूल्य रखा है, गाय कामधेनु है, तो गाय किस तरह का हमें उत्पाद दे सकती है, और वो उत्पाद से हम सिर्फ हमारा उपजीविका ही नहीं तो आरोग्य भी अच्छा कैसा रख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग एक्टिविटी चलती हैं। ये गांव, आसपास के जो गांव हैं वो आदिवासी बहुल हैं, और साथ में यहाँ पे जो जंगल है वो जंगल एक अच्छा कॉरिडोर है। यहाँ अलग अलग, हमें पता है ताड़ोबा टाइगर रिजर्व है या बोर टाइगर रिजर्व है, इधर में पेंच टाइगर रिजर्व है, हमारे साइड में उमरेड करंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब सेंचुरी और जो संरक्षित क्षेत्र है वहाँ के जो रास्ते हैं, वन्यजीव को यदि जाना है, हमें हाईवे बने हैं, हम लोग हाईवे से जाते हैं, तो वन्यजीव के जो हाईवे है वो ये कॉरिडोर है, ये बीच वाला क्षेत्र है, तो वो बचना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ गत 12 साल से अलग अलग मुद्दे में काम करते हैं। और अभी अभी एक आनंद की बात ऐसी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इन्होंने 4 दिसंबर को मुनिया कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाइड किया है। मुनिया कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ का एक अच्छा सा खासा एरिया है जहाँ सब वन्य जीव अपने अच्छी तरह से रहते हैं, तो ये वन्य जीवों का संवर्धन हो, गांव का संवर्धन हो, साथ साथ में गाय के लिए जो भी हो सकता है
उसको रख रख के खेती भी अच्छी हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और अभी यहाँ के किसान गाय कामधेनु है ये समझ के जैविक खेती लेके अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, पर्यायी खेती के प्रयोग कर रहे हैं, और सभी अपने यहाँ लगने वाला जो खाद होगा वो यहाँ तैयार करते हैं। यहाँ पे सही में सिर्फ लोक शिक्षण के लिए गांव के आसपास के लोग ही नहीं, तो स्कूल के नागपुर शहर नज़दीक है, स्कूल से भी टीचर्स आते हैं, पशु सखी कृषि सखी ये जो ये है वो पंचायत समिति का कार्यक्रम हो वो महिलाएं आती है, और हम पंचगव्य के माध्यम से यहाँ क्या क्या हो सकता है। गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं, तो दूध को छोड़ के पंचगव्य में हमें जैसा खा सेन है, गोमूत्र है, इसका यूज़ करके अलग अलग तरह के उत्पाद कैसे बना सकते हैं, वो भी सब प्रयोग और प्रशिक्षण या हर महीने में होता है, उसको हम ग्रामायण गोमय पशु संवर्धन और साथ साथ में कौशल्य विकास के लिए काम करते हैं। या अलग अलग जैसा पंती है, फुलवात है, साबुन, मंजन, धूप कांडी और अन्य तरह के 13 प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। उसी तरह जैविक खेती के लगने वाला गोकृपा अमृतम है, सजीव जल है, वो भी यहाँ पे हम किस तरह बनाएंगे वो बनाते हैं। अपने ही खेत में खाद का कारखाना कैसा हो सकता है, अच्छा खाद कैसा दे सकते हैं, उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वही प्रकल्प हम सब यहाँ पे चलाते हैं। सालाना स्कूल बच्चे ज़्यादा आते हैं, और सही में यदि हमें अच्छा जीना है, अच्छा रहना है, तो हमें निसर्ग के साथ रहना होगा, और उस निसर्ग को साथ में रखने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब तरह के एक्टिविटी, सब तरह के प्रकल्प हम लोग यहाँ पे लेते हैं। निसर्ग विज्ञान की ओर से ये प्रकल्प गत 12 साल से चल रहा है, और नेत्रवन ये प्रकल्प का एक माध्यम है। अभी गांव में हम इसी प्रकल्प के माध्यम से कापूस से कपड़ा कैसा बन सकता है वही प्रकल्प ले रहे हैं। साथ में गांव में जो जंगल में मिलने वाला जो कुछ ये है, आजू बाजू में मिलने वाला जिसको हम वीड समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि इसका कुछ काम नहीं, ऐसे सब वस्तुओं का यूज़ करके वेस्ट में से बेस्ट कैसा फॉर्म कर सकते हैं, यही प्रयास यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो देखा गाइस कितना नॉलेजेबल सर ने अपना ज्ञान हमें दिया है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अब मैं किस लिए आया हूँ ये मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा थीसिस जो था उसका टॉपिक था पंचगव्य ग्रोथ, और यहाँ पे जो गाय का रक्षण हो रहा है और गाय के प्रोडक्ट्स का जो यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि गाय के आजकल हम अलग अलग चीज़ें जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। गाय हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए ही यूज़ होती थी, लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च चालू है उसमें साबुन निकाला हुआ है, इनने धूप कांडी निकाली हुई है, यहाँ तक के दिए जो होते हैं वो भी निकाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पे आके एक बार आप विज़िट करिए, और यहाँ पे इनका अम्यूज़मेंट पार्क भी है जिसके लिए आप दिन भर के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पे 20 लोग से ज़्यादा अगर आपका कोई ग्रुप है तो वो आके यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में आप अपना पूरा दिन बिता सकते हैं, यहाँ का नेचुरल खाना खा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे अब हम अपने डेली रूटीन में तो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं जा पाते हैं, लेकिन संडेज़ को जैसे हम रिसोर्ट पर जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो उसके बदले हम यहाँ पर आके अपना नेत्रवन करके ये रिसर्च सेंटर है वहाँ पे आप आके अपना दिन भर बिताइए। यहाँ पे पूरे रहने की व्यवस्था भी है, अगर आपको हॉल्टिंग के लिए भी चाहिए तो आप यहाँ पे व्यवस्था करके दे सकते हो वो लोग, और यहाँ पे पूरा का पूरा चूल्ही पर का जो खाना बोलते हैं वो मिलता है। ठीक है, तो गाइस आप आइए और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तो यहाँ पे अरेंजमेंट मिलेंगी आपको, और अम्यूजमेंट पार्क तो रहेगा ही रहेगा, तो अपने फैमिलीज के साथ आइए और यहाँ पे रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी काउज है, अलग अलग वैरायटीज की है, और मुझे डर भी लगता है। ये देखिए गाय सामने सामने आते जा रही है। तो
के लिए हमारा जो मेन हीरो है यहाँ पे। देखते हैं ये है मेन गाय कितना बहुत बड़ा है ये, इसका नाम कालू रखा गया है और बहुत ही बड़ा है ये। इसका क्लोजर लुक तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मूड अपने माहिती नसता ना। देखिए अभी हम देखते हैं जहाँ पे गाय को रखते हैं उनका गौठान। ये गाइस ये है मेन गौठान जहाँ पे पूरे गाय को रखा जाता है रात में वगैरह, देख सकते हैं आप कितना नीट है। और ऐसा बहुत ज़्यादा साफ सुथरा पूरा। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बायोगैस डाइवर्सिटी हमने बुक्स में ही सिर्फ पढ़ा था पहले, बट अभी इसमें रियल टाइम रियल लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप भी देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पूरा दिख जाए। ये देखिए ये है पूरा प्रॉपर, गाइस यहाँ पे बहुत कुछ है नेचुरल एनवायरनमेंट देखने लायक। और यहाँ पे जो जंगल का है वो चीज़ें भी यहाँ पे बॉर्डर पे ही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नेचुरल पूरा नेचुरल हैबिटेट है। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते हुए अभी नागपुर से ये लगभग 32 किलोमीटर दूर है। और एक बात और, यहाँ पे एनर्जी लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे दिन भर इधर उधर चल चल के बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। अभी मैं तो प्रिपेयर होके नहीं आया था, लेकिन ठीक है एग्जॉस्ट हो गए हैं, अभी जाके बस आराम करना है। तो गाइस लेट्स गो।